हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 11 3D का क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 11.3। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, मेरे को बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, यानी कि दो प्लेन हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जो तीसरा प्लेन है जिसकी मुझे इक्वेशन बतानी है वो इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उस तीसरे प्लेन की मेरे को इक्वेशन बतानी है। अगर फ्रेंड फॉर्मूला ये होता है, अगर दो प्लेन एक दूसरे को पास करते हैं तो उनकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। और जो एक और प्लेन है जो इन में से पास हो रहा है, ठीक है, जिसके पासिंग थ्रू पॉइंट ये है, ये इस पॉइंट के अंदर लाई करेंगे तो मैं इसके अंदर वैल्यू रख दूँ, वहाँ पर मेरे क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा। फिर लैम्डा के वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में उठा के रख दूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मेरी एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं, तो मेरा a1 b1 c1 और d1 सारे आ जाते हैं। ये मेरा हो गया a1 3, ये हो गया मेरा माइनस का 1, c1 कितना हो गया मेरा 2 और d1 कितना हो गया मेरा माइनस का 4। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी मेरे को, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके साथ कंपेयर करते हैं, साथ में कुछ भी नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। तो मेरा a2 हो जाएगा 1, b2 भी हो जाएगा 1, c2 भी हो जाएगा 1 और d2 कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 2। उठाकर इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। तो यहाँ मैंने रखना शुरू किया 3x माइनस में 1y प्लस 2z एंड माइनस का 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा लिया। और फिर आ रहा लैम्डा, a2 कितना है 1x, b2 कितना है 1y, c2 कितना है 1z एंड माइनस में d2 कितना माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है फ्रेंड, इतना करने के बाद मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस का 4 प्लस में लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा x लैम्डा वाई लैम्डा z माइनस में 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। जो x वाली टर्म है इनको मैंने एक साथ रख दिया, 3x प्लस में लैम्डा x, ठीक है, और y वाली टर्म को एक साथ रख लिया, ये आ रहा मेरा माइनस का y और ये आ रहा लैम्डा y। ठीक है फ्रेंड, तो इसको मैंने यहाँ रख लिया माइनस का y और लैम्डा वाई, ये मेरा कितना है 2z और ये है लैम्डा z, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक साथ रख लो, माइनस का 4 माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 प्लस में लैम्डा x। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा लैम्डा, बाहर आ जाएगा वाई, ये प्लस का और ये किसका है माइनस का, माइनस का 1 प्लस में लैम्डा, दोनों में से z कॉमन आ रहा है, z को बाहर ले लिया, 2 प्लस में लैम्डा z। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसको ऐसे रहने दिया, माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, जो ये पॉइंट दे रखे थे मेरे को 2, 2, 1, ये इस प्लेन के अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, द प्लेन पासिस थ्रू 2, 2, 1, ये प्लेन इस पॉइंट में से क्या करेगा, पास करेगा तो मैं उठाकर इनकी वैल्यू इसमें रख दूंगा, 3 प्लस में लैम्डा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस माइनस 1 लैम्डा, वाई की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस में लैम्डा, जेड की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस में 4 माइनस में 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 3, 2, 6 प्लस में 2 लैम्डा, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस में 2 लैम्डा, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट वैल्यू जगह 6 हो गया, माइनस 2 एंड माइनस 4, इनको तो एक साथ कर लेंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 और में 2 जोड़ दिए 6 में से 4 गए 2, तो यहाँ बचा प्लस का 2 लैम्डा 4। ठीक है, 4 में 1 जोड़ दिए 5, 5 में से 2 गए 3 लैम्डा, प्लस के 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा को आने दो, प्लस का 2 उधर एक्स को आ जाएगा माइनस का, एंड मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, माइनस में 2 अपॉन में
3 लैम्डा, ठीक है फ्रेंड। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, जो मेरी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थी ये वाली, इसको नंबर वन मान लेते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड, इसको नंबर मान लेते हैं वन। इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के इसमें वन में रख देंगे, ठीक है। लैम्डा वैल्यू पुट इन वन, इक्वेशन वन में रख देंगे, जहाँ जहाँ हमें लैम्डा नज़र आ रहा है ना वहाँ पे क्या रख देंगे, इस माइनस के 2/3 को रख देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे रखना शुरू करता हूँ इसको, तो ये मेरा दे रखा मेरे को कुछ इस तरीके से 3 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह रख देंगे माइनस का 2/3, और इसके बाहर चल रहा है मेरा एक्स, प्लस माइनस का 1, लैम्डा की जगह माइनस का 2/3, और बाहर चल रहा है वाई, प्लस 2, लैम्डा की जगह माइनस का 2/3, और बाहर जेड, प्लस माइनस का 4, 2, लैम्डा की जगह माइनस का 2/3, और इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं अब इसको। देखो प्लस माइनस माइनस 2/3 एक्स, ये दोनों तो माइनस के ही हैं, नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 = 3 माइनस का 2, बाहर वाई, नीचे कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 माइनस का 2 जेड, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4/3 इज इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 9 9 माइनस में 2 एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 5/3 y, 6 में से 2 हो गया 4 z/3, यहाँ पर आएगा नीचे कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12 प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ 7 x/3 आया, ये 5/3 आया, ये 4 z/3 आया, और 12 में से 4 जाएगा तो आएगा माइनस का 8/3 आया इज इक्वल टू 0, सबके नीचे 3 आ रहा है, एलसीएम लिया 3, ऊपर बचा 7x माइनस का 5y 4z माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7x माइनस का 5y 4z माइनस का 8 मल्टीप्लाई में आ गया, तो मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, 7x माइनस 5y 4z माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो जाएगी, 7x माइनस का 5y 4z माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, थैंक यू।